Good morning, students. How are you all? Today, I am going to teach you some blocks and punches. Mainly, how to defend ourselves, right? So, just first up, face block. Okay. It's called upper block. How do we use this block? How to block ourselves? Okay, I am going to show you just now. If anybody attack our face, right? How to defend? Okay, let's see. You can hear this part. Never use your bone part, right? Use your muscles part. Side. This side. It's a 45 degree angle, not a 90 degree, it's a 45 degree angle. Understand everybody? So if slowly, right? Slow mein dikha raha hu aapko, taki aap aaram se aasani ke saath seekh jao. और प्रॉपरली अपने भाई बहन के साथ आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका. ज्यादा स्पीड नहीं करना है, अभी स्लो स्लो करनी है और आगे चल के इसका स्पीड बढ़ाना है. नाउ नेक्स्ट ब्लॉक उचियू के. उचियू के मींस मिडिल ब्लॉक, राइट? इट्स कॉल्ड उचियू के मिडिल ब्लॉक. Same, I am going to demonstrate you how to defend ourselves, right? So, let's see. Our chest level, strong level punch, chest level punch, right? Okay. Block, block. So, with this, this side of block, this punch. Block, block. ये सिर्फ हमारे बॉडी से बाहर करना है बस. इस पंच को जो भी पंच आ रहा हम लोग को अपने बॉडी के लाइन से आगे हटा देनी है बस. इसका डायरेक्शन चेंज कर देना है. ये करने से आपका क्या होगा कि आपका एनर्जी वैसे होगा और ब्लॉक साइड से बाहर निकल जाएगा और आपके बॉडी के बाहर सारे टैक्स ले लेंगे. सो यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ लाइक दिस, राइट? इसी में मिडिल में हम लोग सेकेंड ब्लॉक करते हैं. इसको कहते हैं सोटो के. दैट्स द इनसाइड ब्लॉक, राइट? इनसाइड ब्लॉक के लिए जो हम लोग ये सोटो के करते हैं, ये बिल्कुल सेंटर चेस्ट पर अगर अटैक हो रहा है तो आप इसको बॉडी को ट्विस्ट करके इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हो, राइट? सेम ब्लॉक आई विल शो यू हियर अगेन. सेम पंचेस चेस्ट लेवल, राइट? Look at here, right? This block, block, right? Second, block, block. Same, this block. You have to defend yourself. Anybody that serves, attack here, right? And this is block, and this is अटैक. ओके, अगर आपने अटैक करा तो दूसरे का हाथ आराम से तोड़ सकते हो. दिस इज डिफेंस एंड अटैक ऑल्सो, राइट? नेक्स्ट सुतोके मीन्स मेन कराटे अटैक. दिस इज अ अटैक, राइट? दिस इज प्रॉपरली वी आर यूजिंग लाइक दिस ब्लॉक एंड दिस इज ऑल्सो ब्लॉक एंड attack. Okay, and how to apply this block? Let's see. Here, look at here, right? Same attack, block, 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 block.
Look here, like this, and this is a block and attack, right? Block, grip, attack. Okay, this type of block and attack. Properly, when punch come, block, right? Second hand is ready for attack. Okay, and this block is for gripping. अगर आप किसी से ब्लॉक कर रहे हो तो इससे ग्रिप कर सकते हैं और ग्रिप करके हम अपना अगला टेक्निक आगे वाले लेक्चर में बताएंगे क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये थोड़ा डेंजरस में आता है स्पीड से करना होता है और इसी के साथ आपको दूसरे टेक्निक भी अप्लाई करना होता है अगर मैं अभी बता दूं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे राइट सो हैव टू डू प्रॉपर प्रैक्टिस एट होम नेक्स्ट ये डन राइट Next block is get upright. This is a down block. Right? Stomach level attack. Right? And stomach level defense. Okay? Right? Here. Now get on right block, right? Get on right block like this properly and here. Done. Now I'm going to show you how to defend ourselves, right? First, punch, stomach level punch. Up. Okay, here. Start, punch, block, 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 block. This type of block, right? कोई सा भी अटैक आ रहा है आप उसको ब्लॉक कर सकते हो और अगर आप घर पे रहते हो नॉर्मली यहाँ पे करना है और आपको ग्रिप हटानी है मतलब ब्लॉक को हटाना है और किसी ने हमारा आपको ग्रिप रखा है तो उसको हम लोग ब्लॉक से हटा सकते हैं नेक्स्ट ये ब्लॉक अगर स्टमक में कोई भी अटैक होता लाइक किक राइट किक पे अटैक होगा किक को भी हम इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं राइट ये Understand? इस तरीके से आपको ब्लॉक करनी है सारी चीजें और अगर आप इस तरीके से ब्लॉक करते हो तो अपने आप को सही से डिफेंस कर सकते हो Understand? और ये डिफेंस बहुत जरूरी है कि आप इसको स्लोली प्रैक्टिस करो घर पे रेगुलर प्रैक्टिस करो देन आगे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो अगर आपने एक बार दो बार प्रैक्टिस करा और आपने आपको किसी को अटैक कर दिया फिर समझ लो कि आप खुद इंजर्ड हो गए दूसरे को क्या मारोगे इसलिए इसको आपको रेगुलर सही प्रैक्टिस करनी है और अच्छा प्रैक्टिस करना है जब आप परफेक्ट हो जाओगे तभी आप अपने डिफेंस कर पाओगे अदरवाइज आप अपने डिफेंस नहीं कर पाओगे राइट सो नाउ पंच ओके ये तो हो गया हमारे डिफेंस अब मैं बताने जा रहा हूं आपको जो हम लोग अटैक करते हैं फेस मिडिल और स्टमक तीनों जगह हम अटैक करते हैं वो मैं पंच मार के आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको पंच की प्रैक्टिस करनी है एक टारगेट पे एक पर्टिकुलर टारगेट पे आपको पंच की प्रैक्टिस करनी है अपने मतलब डायरेक्शन से ही करनी है स्टार्टिंग में राइट इट्स वेरी बेसिक अगर कोई सीख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि बेसिक टेक्निक क्या होता है और अगर किसी ने नहीं सीखा है तो वो प्रॉपरली बेसिक टेक्निक को सही करें अपना राइट सो हियर पंच ये चेस्ट लेवल पंच है सेकेंड फेस थर्ड स्टोमक मैं आपको शो करूंगा कि टारगेट पे कैसे आप हिट करोगे या टारगेट पे कैसे आप इसको अप्लाई करोगे या प्रैक्टिस करोगे राइट मैं पार्टनर के साथ दिखा रहा हूं आपको और आपको भी एक अपने वॉल पे टारगेट बनाना है और वॉल पे करनी है इसकी प्रैक्टिस या अपने भाई बहन के साथ अप्लाई नहीं करना है पता चला आपने किसी को डोर डाल दिया वहां पे फर्स्ट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं फेस लेवल पंच राइट फेस लेवल पंच में आपको बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि कंट्रोल कैसे किया जाएगा अगर हम लोग मार रहे हैं तो वहां पे कंट्रोल बहुत जरूरी है राइट जैसे हम लोग यहाँ पे मार रहे हैं राइट यहाँ पे हम लोग अटैक कर रहे हैं तो हम लोग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ये अगर ये कंट्रोल नहीं है तो फिर आप
नॉर्मली वॉल पे प्रैक्टिस करो लाइक दिस, एक पर्टिकुलर प्लेस बना लो जहां पे आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, और दोनों पंच एक ही प्लेस पे जाने हैं, नहीं कि दोनों पंच अलग अलग करना है, दोनों पंच सेम प्लेस पे मारना है, सेम प्लेस पे जाएगा, राइट? ये ओके, नेक्स्ट चेस्ट, चेस्ट के हम लोग को सेंटर पार्ट में टैप करनी है, ये जो सेंटर पार्ट है यहां पे टैप करनी है। सपोज करो अगर हमने यहां पे अपने सीधा अटैक करा, ठीक है, जैसे हमने ऐसे सीधा अटैक करा और इंसान डन हो गया तो हमारा पंच क्या होगा, स्लिप हो जाएगा, ये पंच यहां है हम लोग मार रहे हैं, ये स्लिप हो जाएगा, ओके। इसलिए हम लोग को अटैक कहां करना है, सेंटर पॉइंट पे करनी है, और सेंटर पॉइंट ही टारगेट होना चाहिए हमेशा, राइट? ये यहां पे कंट्रोल, ओके, ये हुआ हमारा चेस्ट है। इसका भी आप अपने सामने चेस्ट के सामने टारगेट बना सकते हो वॉल पे, और वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके बाद पंचिंग बैग में दिखाएंगे हम लोग, आपके पास पंचिंग बैग नहीं है तो आप पिलो लगा सकते हो, पिलो पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट स्टॉक पैरल पंच, राइट, मेन स्ट्रोक जहां नाभि होता है, नाभि पे अटैक करनी है आपको यहां से, ये तीनों हमारे सिंपल अटैक हुए, राइट। अब हम लोग को दो पंच अटैक करनी एक साथ, ठीक है, दो पंच जब हम अटैक कर रहे हैं तो एक साथ एक ही जगह पे दोनों पंच को अटैक करनी है, राइट। तीनों जगह के टारगेट पे, उसके बाद हमने अटैक करा डबल पंच चेस्ट लेवल पे, ट्रिपल पंच जो मारेंगे हम लोग वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट, या नेक्स्ट जो क्लास होगी आपको उसमें बताऊंगा, और अभी आपको ये डिफेंस सही से करने हैं, तीनों ब्लॉक्स चारों ब्लॉक्स प्रॉपर तरीके से करने हैं, और इसके साथ आपको ये पंच अटैक प्रॉपर तरीके से करनी है, राइट। अगर आप इस तरीके से स्लोली सीखोगे तब भी आप परफेक्ट हो जाओगे, मतलब कि दो तीन महीने में आप प्रॉपर परफेक्ट हो जाओगे, और इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पंच की बात अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, थ्रस्ट की, थ्रस्ट की मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे प्रैक्टिस करना, चेयर के सपोर्ट लेके या ठीक है वॉल के सपोर्ट लेके, और अब जो है आपको इसको प्रॉपरली इंसान के ऊपर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जो टारगेट मैंने बताया था कि स्टॉक चेस्ट और चेन, लास्ट टारगेट इज चेन, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट यू टू हाउ टू अटैक, राइट, प्रॉपर आपको आकर नहीं बेन करना है, प्रॉपर तरीके से पोजीशन में आना है, सामने हाथ को करना है और पीछे वाले लेग को उठा के ये टारगेट लेके जानी है, ये अंगूठा हमारा हमेशा ऊपर खींचा रहेगा ऐसे, राइट, और ये अटैच रहेगा यहां पे स्टमक लेवल पे, ओके। ये प्रैक्टिस करने के टाइम में बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करना है, और मारने के बाद रिवर्स भी करना है, अगर आप रिवर्स नहीं करोगे तो खली जैसे इंसान आपको करके चक्र की तरह घुमा के फेंक देंगे, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप अटैक कर रहे हैं उस अटैक का रिवर्स होना जरूरी है, मारने के बाद बैक होना जरूरी है, राइट, ओके। ये हमारा टारगेट है स्टॉक लेवल, राइट, ये दोनों लेग से बराबर करनी है आपको, सेम पोजीशन में ये करना है, राइट, ये हुआ स्टॉक, सेकेंड चेस्ट, राइट, ये चेस्ट लेवल पे, एंड थर्ड इज चीन, राइट,
जे लेवल पे अगर हम अटैक कर रहे हैं ये यहां से सीधा इस तरीके से राइट इस तरीके से प्रैक्टिस कर लिए ताकि आप सबके परफेक्ट क्वेश्चन में जा सके। इससे अगर हम लोग ऊपर मारते हैं स्टिक को तो ये सही नहीं जाएगा और सही पावर से नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से करना है और जहां हम लोग ज्यादा पावर अटैक कर सकते हैं वहां पर हम लोग को अटैक करना है राइट, और उसी जगह को हम लोग कमजोर पार्ट बना के वहां मारते हैं जहां पे लो पावर का कमजोरी होता है, और इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आएगा और इसी तरीके से आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। बाकी किकिंग और भी चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा राइट, और अभी आपको ये सारी चीजें सीखना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, 1 वीक का टाइम है आपके पास तो 1 वीक आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर तरीके से, लेकिन इंजरी नहीं होना। प्रैक्टिस करने से पहले 5-10 मिनट पहले आपको वार्मिंग अप करना है और लास्ट में आपको कूल डाउन करनी है। वार्मिंग अप मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सारे आपको बताए थे वो सारे करने हैं, उसके बाद कूल डाउन में आपको स्लोली सेम एक्सरसाइज को रिपीट करना है जो आपने वार्मिंग अप में करा है, सेम को रिपीट करना है, प्रॉपर स्लोली करना है राइट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।